जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है, जो कि आप समरी में से देख सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? एक रोल करते हुए ऑब्जेक्ट और एक सिंपल सरफेस के ऊपर अगर वो रोल करे, तो उन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट जो किसी भी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा हो, उन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो किसी सरफेस के ऊपर, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन के बाद इन शॉर्ट हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, जिसमें हमने बताना है कि व्हील जो है हमारे पास, वो मैनकाइंड का एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ी ईजाद है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये रोल करता है। रोल करने की वजह से फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 टाइम्स रिड्यूस कर जाती है। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है रिएक्शन फोर्स, व्हेन द एक्सल से रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स के साथ 3.18 डायग्राम जो है ये हमने ड्रॉ करनी है, और इसी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि एक व्हील है, उसके एक्सल पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, राइट साइड पे फोर्स लगाई जा रही है उसके एक्सल पे। एक्सल व्हील के सेंटर में जो रॉड होती है उसको एक्सल कहते हैं। तो एक्सल पे जब हम फोर्स लगाते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है व्हील का ज़मीन के साथ, वहाँ पे एक रिएक्शन की फोर्स लगती है जो कि उसको आगे की तरफ मूव नहीं करने देती। आगे की तरफ हम फोर्स लगाते हैं, तो रिएक्शन फोर्स जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वही बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है, और वो ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव नहीं करने देती। और व्हील की डायरेक्शन, यानी कि जो हमने फोर्स लगाई है, उसकी डायरेक्शन के ओपोजिट डायरेक्शन पे रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है। और जब भी कोई व्हील जो है वो रोल करता है, अगर हम फोर्स मजीद बढ़ाएंगे तो वो व्हील जो है वो सरफेस के ऊपर रोल करने लग जाएगा। तो ऐसे सूरत में व्हील का एक पॉइंट ज़मीन के साथ कांटेक्ट होता है। तो एक पॉइंट ज़मीन के साथ कांटेक्ट होने की वजह से जो है वो जो व्हील है और जो नीचे सरफेस है जिसके ऊपर व्हील रोल कर रहा है, उन दोनों के दरमियान जो कोल्ड वेट्स होते हैं, जो कि पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। और व्हील जो है वो आगे की तरफ सिर्फ उनको प्रेस करता हुआ, मूव करता हुआ चला जाता है। लेकिन जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रही होती है, दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो ऐसे सूरत में कोल्ड वेल्ड्स जो होते हैं वो टूटते जाते हैं। जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक पैदा करते हैं, और ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो वो टूट जाते हैं। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में सिर्फ वो प्रेस होते हैं और ऑब्जेक्ट जो है दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। तो ये रिएक्शन फोर्स के साथ आपने 3.18 डायग्राम जो है वो आपने बनानी है। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, वो हमने स्टार्ट करना है द फैक्ट डैट। यहाँ से एप्लीकेशंस की एडिंग है, और एप्लीकेशंस में तीन सब एडिंग्स हैं। नंबर वन, बॉल बैरिंग। बॉल बैरिंग आप देख सकते हैं 3.19 में इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, ये स्पिनर के अंदर भी इस्तेमाल होता है जो आप लोग खेलते होते हैं। इसके अलावा साइकिल के पहिए में भी मौजूद होता है बॉल बैरिंग। बेसिकली इसके अंदर जो होता है आयरन, जो हमारे पर बॉल्स होती हैं वो रोल कर रही होती हैं, और चूंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है मशीनरी के अंदर। तो हमने लिखा है द फैक्ट डैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ अप्लाइड इन बॉल बैरिंग। बॉल बैरिंग का दूसरा नाम रोलर बैरिंग भी है, टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये डायग्राम नहीं बनानी, अलबत्ता हमारा फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो हमारे पास थी बॉल बैरिंग। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास व्हील्स। ये पूरा पैराग्राफ जो है हमारे पास व्हील्स की हेडिंग में आएगा।
नंबर टू एप्लीकेशन। और कोई भी व्हील हो हमारे पास, कार का, साइकिल का या बाइसाइकिल का, वो जब भी रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस और टायर के दरमियान में मौजूद नहीं होगी तो ऐसी सूरत में जो है वो व्हील मूव नहीं कर सकता है। अगर वेट ग्राउंड हो या ऑयली ग्राउंड हो तो अगर हम कार या मोटरसाइकिल को चलाने की कोशिश करेंगे तो जो व्हील होगा उसका वो स्लाइड करना शुरू कर देगा और व्हीकल जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। इसलिए ग्राउंड ग्रिप का मजबूत होना ज़रूरी है, और ग्राउंड ग्रिप के मजबूत होने के लिए जो व्हील्स होते हैं उनके ऊपर थ्रेडिंग्स लगाई जाती हैं। ये जो आपको व्हील के ऊपर कट्स नज़र आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं, ये ख़ास शेप में व्हील्स को बनाने का मकसद ये होता है कि ग्राउंड ग्रिप मजबूत हो जाती है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और व्हीकल जो है वो आसानी से आगे की तरफ मूव भी कर सकती है और जब चाहें उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर वेट ग्राउंड होगी तो ऐसी सूरत में भी ये अप्स एंड डाउन्स यानी कि जो हमारे पास फ्रिक्शन है ये काम आएगी। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी जो कि है बाइसाइकिल, और ये नेक्स्ट पेज में अप टू क्विकली तक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन हमारे पास नंबर थ्री है। अब बाइसाइकिल जो होती है ऑब्वियसली उसके व्हील और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ आसानी से मूव करती हुई चली जाती है। और बाइसाइकिल को जब रोकना होता है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और ब्रेक पैड जो है वो साइकिल के रिम के साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है और जो व्हील जो होता है बाइसाइकिल का वो रोल करने की बजाय स्लाइड करना शुरू कर देता है। और हम जानते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो 100 टाइम्स ग्रेटर होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से वो साइकिल आसानी से रुक जाती है। तो बेसिकली ब्रेक लगाने से क्या हुआ कि ब्रेक पैड ने रिम्स को रुक किया, यानी कि साइकिल का जो व्हील है वो रोल होने की बजाय स्लाइड होना शुरू हो जाता है, और स्लाइड होने की वजह से जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से 100 टाइम्स ग्रेटर है, जिसकी वजह से साइकिल आसानी से रुक जाती है। तो ये हमारे पास था रोलिंग फ्रिक्शन का टॉपिक। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 77 पेज ओपन करें, वहाँ पे है सेंट्रीपिटल फोर्स। पेज 77 सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बोल्ड हुई है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दायरे में घूमता है तो उसको दायरे में घूमने में जो फोर्स मदद देती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उस सर्कल के सेंटर की तरफ वो एक्ट कर रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उनके लिए लाजमी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है इसके साथ ए बी डायग्राम्स राइट साइड में आपको नज़र आ रही हैं, ये डायग्राम्स हमने बनानी है। एक स्टोन है, स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच किया है, उसको हम घुमा रहे हैं तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो है वो एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है जो कि टेंशन की फोर्स है, जिसकी वजह से ये स्टोन जो है वो आसानी से घूम रहा है, और ये सेंटर की तरफ जो टेंशन की फोर्स है ये इसको इस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और ये सर्कुलर पाथ में मूव करता जाता है। अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रांग इनफ नहीं है, अगर इस स्ट्रिंग में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कम है तो वो टूट जाएगा और वो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग जो है वो मूव करता हुआ चला जाएगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो जैसे ही स्ट्रिंग कट होगा तो जिस पॉइंट पे भी होगा वहाँ पे अलोंग द टेंजेंट जो है वो स्टोन मूव करता हुआ चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है मून की। मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, और उसको उस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है वो ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से मिलती है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एग्जाम्पल के बाद एक्सप्लेनेशन है, और इसमें हमने
सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्केयर ओवर आर को ड्राइव करना है। तो फर्स्ट किया, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या कहा, फर्स्ट किया एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका मैस एम के बराबर है, जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसका रेडियस आर के बराबर है, और जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो हमने फर्स्ट किया वी के बराबर है, और उस वक्त जो सेंट्रिपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो हमने कहा एफ सी के बराबर है। सेंट्रिपिटल फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ और स्मॉल सी। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस वक्त एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज सेड टू बी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो दायरे में घूमते हुए ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ए और छोटे से सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, वेयर आर इज द रेडियस अराउंड विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ये फार्मूला हमने ड्राइव नहीं करना, ये हमें याद होना चाहिए। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो वी स्केयर ओवर आर के बराबर है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है तो उस वक्त फोर्स का नाम सेंट्रिपिटल फोर्स, और उस वक्त एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और मैस जो है वो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है। तो इसका मतलब है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक 3.25 इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। 3.25 इक्वेशन का नाम नहीं देना, अलबत्ता ये वैल्यू जो है हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, इसमें हमने ए सी की वैल्यू जो कि ऊपर हमने लिखी हुई है ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, वी स्केयर ओवर आर जो है वो हमने ए सी की जगह पे पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम, एम हमने न्यूटन के सेकंड लॉ वाला एम वैसे लिख दिया, ए सी की जगह पे आ गया वी स्केयर ओवर आर। तो फार्मूला हमारे पास आ गया एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। अगर एम मैस का ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा हो उस और जिस दायरे में घूम रहा है उसका रेडियस आर के बराबर हो और उसकी वेलोसिटी वी के बराबर हो, तो हम इस फार्मूले से जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट से लेके यहाँ तक इसको चाहे आप मैथमेटिकली की हेडिंग डाल दें या इन शॉर्ट ये फर्स्ट थ्री लाइन्स को एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दें, उसके बाद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से मैथमेटिकली हेडिंग डाल सकते हैं। दो हेडिंग्स कर लें या सिंपली एक हेडिंग कर लें, वो आपकी मर्जी। उसके बाद स्टार्ट में हमारे पास एक्सप्लेनेशन, कंसीडर से लेके कॉल सेंट्रिपिटल फोर्स, इसके साथ हमने डायग्राम बनानी है, और डायग्राम जो है वो 3.26 राइट साइड में ऊपर डायग्राम बनी हुई है, ये हमारे पास है 3.26। इसमें हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम के बराबर है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एज शोन इन द फिगर। अब ये ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी दो ही स्टेट हो सकती हैं, या तो वो रुका हुआ हो सकता है हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो सकता है, और कि स्ट्रेट नहीं होती हमारे पास। तो हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में कैसे घूम रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसकी कोशिश है स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो उसको पुल किए हुए है, जिसकी वजह से जो है वो मजबूर हो जाता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। क्योंकि अगर जैसे ही ये फोर्स हम ख़त्म कर दें वो अपने सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा, तो उसकी मोशन जो है वो हमेशा जो होती है वो परपेंडिकुलर टू सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है वी की डायरेक्शन जो शो की गई है ये ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन है, यानी कि अगर सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ चला जाएगा, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स उसको पुल कर रही है सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर हो गया। तो ये सेंटर की तरफ जो एक छुपी हुई फोर्स है, इसी को एंड में उसने कह दिया द सेंट्रल सीकिंग फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर की तरफ एक छुपी हुई फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा होता है, इसी को ही हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा
वेलोसिटी की डायरेक्शन और सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंट्रिपिटल फोर्स, इन दोनों के आपस में डायरेक्शन का एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर है। और ऑब्जेक्ट की मोशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन की मोशन जो है वो सेम ही है, एक ही तरफ है हमारे पास। तो ये हमारे पास था सेंट्रिपिटल फोर्स।